मुस्तफा अली कर सकते हैं सेथ रॉलिंस की गैंग को ज्वाइन। अंडरटेकर ने स्टिंग से फाइट पर क्या कुछ कहा है, लिम ऑर्गन का पुश हुआ है खत्म और पॉल हेमन की सुधर सकती है हालात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी वॉट्सएप्स WHG। तो आज की वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम कई स्टोरीज को कवर करेंगे, लेकिन उन पर जाने से पहले बात कर लेते हैं दोस्तों स्मैकडाउन के फॉल आउट की। तो स्मैकडाउन के बाद क्या कुछ होगा, स्मैकडाउन के बाद आज हमें मैट रिडल का इंटरव्यू देखने को मिला है। मैट रिडल दोस्तों तगड़े शॉट्स लिए एजे स्टाइल्स के ऊपर और अपने डेब्यू को भी डिस्कस किया। जैसे कि आप जानते हैं आज मैट रिडल डेब्यू के थे, एजे स्टाइल्स के खिलाफ उनका एक नॉन टाइटल मैच हुआ था जिसके अंदर वो जीत जाते ड्यू टू द डिस्ट्रैक्शन विच वॉज कॉज्ड बाय डेनियल ब्रायन जो कि बाहर खड़े हुए थे। तो गाइज इसके चलते जो मैट रिडल की जीत हुई है उन्होंने ये चीज कही स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद कि आज मेरी विजय हुई, मैं काफी ज्यादा खुश हूं और मैंने एजे स्टाइल्स को अपने डेब्यू पर आया, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। एजे स्टाइल्स मेरे करिश्मा के सामने नहीं टिक पाया, वो फिनोमिनल तो होगा लेकिन अपनी जगह होगा। इसके बाद वो चीज बोले कि वर्ल्ड ऑफ प्रो रेसलिंग में मेरी एक वैल्यू है और अब WWE इसे जानेगा और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ अगले हफ्ते कम्पीट करने के लिए। तो काफी बड़े शॉट्स लिए हैं मैट रिडल ने एजे स्टाइल्स के ऊपर और साफ सी बात है कि अगले हफ्ते से वो हमें रेगुलर देखने को मिलेगा। हम चलते हैं दोस्तों इसे नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। तो सबसे पहली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों वो जुड़ी है पॉल हेमन के किरदार से। तो आप जानते हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर अब पॉल हेमन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नहीं है, उन्हें दोस्तों हटा दिया गया है और उनके बीच और विंस मैकमैन के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो चुके थे। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों उनके मध्य ऐसा हो चुका था कि विंस मैकमैन कुछ और चाहते थे, पॉल हेमन कुछ और चाहते थे, इसीलिए दोस्तों उन्हें हटाया गया। लेकिन अब जो अपडेट निकल कर सामने आया काफ़ी बढ़िया है। दरअसल बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर के आने के साथ ही पॉल हेमन की हालात में सुधार आएगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ऐसे रेसलर रहे हैं जो कि किसी की भी नहीं सुनते हैं। ब्रॉक लेसनर अपने मन की करते हैं, ना ही दोस्तों विंस मैकमैन से डरते हैं ना ही किसी ऑफिशियल से। यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि जब ब्रॉक लेसनर समर स्लैम से पहले अपना रिटर्न करेंगे तो वहाँ दोस्तों पॉल हेमन को थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर मिल सकती है, क्योंकि ब्रॉक और रोंडा राउजी जैसे सुपरस्टार्स एक पावर ऑफ डिग्री या फिर कह लीजिए डिग्री ऑफ पावर लेकर चलते हैं। उनके पास दोस्तों ऐसी शक्ति आप मान सकते हैं कि क्रिएटिव कंट्रोल में अपना ओपिनियन दे सकते हैं जहाँ भी बात लगती है स्टोरी लाइन्स की। तो यहाँ दोस्तों पॉल हेमन के हालात में थोड़े बहुत सुधार आ सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया खबर है। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली खबर के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है लिव मॉर्गन से। तो ये इसी खबर से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों लिव मॉर्गन जो थी वो काफ़ी बढ़िया कर रही थी रॉ के अंदर, लेकिन लास्ट वीक आप देखे होंगे 2 मिनट का उनका मैच था, वो मैच भी दोस्तों उन्होंने हार दिया जहां दोस्तों वो टैग करी थी अपने मित्र नटालिया के साथ आइकॉनिक से, वो हार जाती। बताया जा रहा है कि पॉल हेमन का हाथ था लिव मॉर्गन के ऊपर और अब जब पॉल हेमन हट चुके हैं अपने पद से तो विंस मैकमैन उन्हें ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। तो लिव मॉर्गन की दोस्तों बुरे दिन हो चुके हैं स्टार्ट, और यहां दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि लिव मॉर्गन को WWE इस तरीके से ट्रीट ना करे, वो काफ़ी बढ़िया रेसलर है। लेकिन अब हम चलेंगे इससे नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। तो भाई इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों COVID-19 के पेशेंट से। आज से ठीक 3 दिन पहले एक स्टोरी ब्रेक हुई थी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि WWE के अंदर कोरोना वायरस पॉजिटिव एक व्यक्ति पाया गया। दरअसल वो व्यक्ति कोई पुरुष नहीं, एक महिला है और ये खबर पुख्ता हो चुकी है दोस्तों। एक महिला सुपरस्टार को कोरोना हुआ था, 9 जून से पहले उसे हटा दिया गया। उससे पहले दोस्तों उसका यूज़ टेपिंग्स में भी किया जा रहा था, यानी जो इर्द गिर्द सुपरस्टार्स खड़े होते उनमें से वो भी खड़ी हुई थी। यहाँ दोस्तों काफ़ी बड़ा डर पैदा हो चुका है WWE के अंदर कि कहीं कोरोना फैल ना जाए। होप करें ऐसा ना हो, वरना दोस्तों WWE से भी पीछा छूट जाएगा। न जाने कितने शोज, कितने ही आप कह लीजिए प्रोग्राम्स हमसे छूट रहे हैं ड्यू टू ये जो पैनाडेमिक फैल रखा है। तो WWE नहीं छूटना चाहिए दोस्तों, बाकी सब कुछ छूटे। हम चलते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ के ऊपर। तो सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जो अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग से। तो फाइनली द फिनोम अंडरटेकर ने कर दिया स्टिंग के ऊपर कमेंट। तो काफ़ी समय से इंतजार था कि अंडरटेकर बात करे स्टिंग से या फिर बात करे स्टिंग वाले टॉपिक से। तो टॉपिक के ऊपर दोस्तों विचार कर चुके हैं कि आखिर में क्या इनका मैच हो सकता है कि नहीं। तो अंडरटेकर ये चीज़ बोले हाल ही में कि देखो मेरा जो मैच है स्टिंग के खिलाफ वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कई बड़े लोग भी चाहते हैं कि ये मैच बने, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे शंका है इस चीज़ के ऊपर कि ये मैच वो चीज़ डिलीवर कर भी पाएगा जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर
क्या ये मैच खरा उतर पाएगा कि नहीं। तो ये सवाल है दोस्तों टेकर के दिमाग में, अब ये क्यों है तो आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। आज से काफी समय पहले एक ऐसा मैच हुआ था जिसका इंतजार सभी को था, यानी कि गोल्डबर्ग वर्सेस अंडरटेकर, जो कि सऊदी में कराया गया ताकि ज्यादा डब्ल्यू को फायदा पहुंचे। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है, उसे दोस्तों वर्स्ट मैच एवर ऑफ दैट ईयर कहकर पुकारा जाता है। और यही दोस्तों अंडरटेकर का डर फिर से पैदा होता है, क्योंकि दोनों काफ़ी ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं और उस केस में भी सेम था। अब देखते हैं दोस्तों क्या ये मैच बन पाता है कि नहीं। होप करते हैं दोस्तों इस बारी ये मैच जैसे तैसे WWE बना दे, चाहे पैसे की पीछे क्यों ना। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है मुस्तफ़ा अली के मसीहा गैंग में जाने से। तो आप जानते हैं मुस्तफ़ा अली आजकल गायब है, और उन पर अपडेट मैंने आपको ये ला कर दी थी कि वो रॉ के अंदर ड्राफ्ट हो चुके हैं। मंडे नाइट रॉ में चुपके छुपा के उन्हें WWE वालों ने ड्राफ्ट कर दिया है। और यहीं से दोस्तों ब्लीचर रिपोर्ट की एक नई रिपोर्ट सामने आती है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि प्रोबेबली वो सैथ रॉलिंस की गैंग को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सैथ के साथ राइवलरी का पार्ट हो सकते हैं। तो अगर आप सैथ और मुस्तफ़ा को देखें तो सेम टू सेम लगते हैं, थोड़ा सा हाइट का डिफरेंस है, बाकी दोस्तों बिल्कुल सेम है। और काफ़ी तगड़े हैं दोनों रेसलर्स, काफ़ी एजाइल है। ऐसे में दोस्तों इनकी राइवलरी काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। ओवर द पीरियड हम देखे हैं कि सैथ रॉलिंस ने कई सुपरस्टार्स को फेस किया है, कई सुपरस्टार्स के साथ राइवलरी में रहे हैं, और कई सुपरस्टार्स को वो स्क्रू भी किए हैं अपनी गैंग के द्वारा। तो ऐसे में दोस्तों मुस्तफ़ा अली उनके नेक्स्ट ओपोनेंट हो सकते हैं। और अगर थिंग्स इससे भी ज़्यादा बेहतरीन करनी हो तो WWE एक और प्लान चल सकता है, वो है मुस्तफ़ा अली का ज्वाइन करना सैथ रॉलिंस की मसीहा गैंग को। तो अभी तक दोस्तों ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पाई है कि स्मैकडाउन का मिस्ट्री हैकर कौन है, और ऐसे में स्पेकुलेशन लगाना गलत होगा। हालांकि दोस्तों अली ही माने जा रहे हैं अभी तक, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रोबेबली दोस्तों आपको जो अली है वो ज्वाइन करते हुए नजर आ सकते हैं सैथ रॉलिंस की मसीहा गैंग को, और उसके अंदर वो काफ़ी बेहतरीन भी कर पाएंगे। और अगर आप उनकी गैंग के लोगों को देखें, वो सारे वो सुपरस्टार्स थे जो कि काफ़ी अंडर यूटिलाइज थे। ऐसे में दोस्तों जो मेरे हिसाब से अली है काफ़ी बेहतर कर जाएंगे, काफ़ी बढ़िया उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। आपके अनुसार क्या मुस्तफ़ा अली को अगर मौका मिलता है तो ज्वाइन करना चाहिए सैथ रॉलिंस को, उनकी शरण में जाना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।